चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी मूवीज़ अपडेट सबसे पहले देख सके। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार सलमान खान की न्यू मूवी भारत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा आपको पता ही है कि भारत मूवी 5 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी इंडिया में। इस मूवी का डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर। ये मूवी बेस्ड थी ऑल टू माई फादर, जो कि एक कोरियन मूवी है। बात करते हैं मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट अराउंड 100 करोड़ के आसपास का है। इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में दिखाई देंगे सुपरस्टार सलमान खान, कैटरीना कैफ, साथ साथ कॉमेडी किंग आपको दिखाई देंगे सुनील ग्रोवर, और आपको इस मूवी में जैकी श्रॉफ भी दिखाई देंगे। बात करते हैं मूवी की रेटिंग की, तो IMDb में मूवी को रेटिंग मिली है 5.9 out of 10। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, खासकर फैमिली ऑडियंस ने इस मूवी को भरपूर सपोर्ट किया है, और सलमान खान के फैंस ने भी इस मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। बात करते हैं मूवी के कलेक्शन की और मूवी के रिपोर्ट्स की, तो जब मूवी फर्स्ट डे में बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ हुई थी, थिएटर में रिलीज़ हुई थी, तो मूवी ने धमाकेदार बिजनेस किया था। इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे में अराउंड 42 करोड़ का बिजनेस किया था। बात की जाए मूवी के आने वाले दिनों के कलेक्शन की, तो मूवी आने वाले दिनों में भी एक डिसेंट कलेक्शन मूवी का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच आप उसे कह सकते हैं, वो आज इंग्लैंड में होने जा रहा है। इसी के साथ इस मूवी को जो है काफ़ी इसका फ़र्क देखने को मिलेगा, मूवी को ड्रॉप देखने को मिलेगा मूवी के कलेक्शन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस मैच को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, इंडिया वर्सेस भारत। मैं आपको बता दूं, इंडिया वर्सेस भारत मैच वर्ल्ड कप 2019 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला पहला मैच है, और इस मैच को लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि इससे पहले इंडिया और न्यूज़ीलैंड का जो मैच होना था वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया, और लोगों की जो निगाहें हैं वो इसी मैच पे टिकी हैं इंडिया और भारत के। तो आज के दिन मूवी को इसका फ़र्क काफ़ी देखने को मिलेगा। बात करते हैं मूवी के कलेक्शन की, मैं आपको बता दूं कि मूवी 5 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी, और इस मूवी ने फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस में एक धमाकेदार कलेक्शन किया था। मूवी ने अपने पहले 11 दिनों में 183 करोड़ का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया था। बात की जाए मूवी के फ्राइडे के कलेक्शन की, तो मूवी ने फ्राइडे में 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया है। सैटरडे में मूवी ने अराउंड 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। मूवी के कलेक्शन में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिला था। बात करते हैं मूवी के टोटल कलेक्शन की, तो मूवी ने अभी तक अपने 13 दिनों में टोटल कलेक्शन कर लिया है 194 करोड़ 80 लाख का, यानी 194 करोड़ 80 लाख का। बात करते हैं मूवी के आज के कलेक्शन की, तो मूवी आज के दिन भी एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। मूवी का आज का कलेक्शन भी अराउंड 7 करोड़ के आसपास का ही रह सकता है, क्योंकि आज संडे और आज क्रिकेट मैच भी है, तो ग्रोथ मूवी को ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, तो मूवी आज के दिन भी अराउंड 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। बात की जाए मूवी का टोटल कलेक्शन की, तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो सकता है अराउंड 201 करोड़ के आसपास, यानी मूवी आज के दिन 200 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर सकती है। तो आपको क्या कहना है सुपरस्टार सलमान खान की न्यू मूवी भारत के बारे में, आप हम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।